वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। सूत्रों से खबर ये कि प्रधानमंत्री और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर चर्चा हुई है। इसके साथ ही योगी ने अपने सरकार के 100 दिन के कामकाज का ब्यौरा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नाम को लेकर चर्चा हुई प्रधानमंत्री के साथ। 100 दिन का कामकाज, उसका ब्यौरा दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को योगी आदित्यनाथ ने। और योगी आदित्यनाथ के जो विधानसभा क्षेत्र है उसको लेकर भी इस बैठक में मुलाकात होनी थी। अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल जो खबर अभी ये आ रही है सूत्रों से, यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर चर्चा हुई है और 100 दिनों का ब्यौरा योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को दिया है। अपने आप में ये खास मुलाकात, दिल्ली पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। पुनीत त्रिपाठी हमें और जानकारी देंगे। पुनीत, किन किन मसलों पर बातचीत हुई? देखिए, अभी एक घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री के बीच की जो बैठक है 7RCR पे अभी चल रही है। साफ तौर पे 20-21 तारीख को प्रवास है प्रधानमंत्री का योगा दिवस को लेकर के। 21 तारीख को योगा दिवस में एक साथ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योग करेंगे, तो उसकी तैयारियों को लेकर के निश्चित तौर पे सारी जानकारी प्रधानमंत्री को योगी आदित्यनाथ देंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ से ही उसमें निगरानी में सारी तैयारियां वहां लखनऊ में की जा रही हैं, तो उसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। दूसरा मुद्दा जो इस पे बात हो सकती है वो किसानों के मुद्दे को लेकर हो सकती है। कर्ज माफी का जो डिसीजन यूपी में लिया गया उसको लेकर के चर्चा हो सकती है, और साथ ही साथ जो रोड मैप है विकास का यूपी में और जो प्रधानमंत्री का विजन है विकास को लेकर के, उस एजेंडे पे पूरी जानकारी जो है योगी आदित्यनाथ जानकारी के लिए। तो अपने आप में प्रधानमंत्री की और सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात, बैठक, मीटिंग अपने आप में बहुत खास है। किसानों के आंदोलन के आगे घुटने टेकते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सभी किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान किया है। फडणवीस सरकार ने सूबे के 1.3 करोड़ किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान किया। सरकार को कर्ज माफी के लिए 1.14 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। महाराष्ट्र के किसान कर्ज माफी के फैसले के बाद जश्न मना रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि क्या किसानों की कर्ज माफी सही फैसला है। सवाल इसलिए क्योंकि पहले भी किसानों का कर्ज माफ हो चुका है, लेकिन हर बार कर्ज माफी के चंद सालों बाद किसानों की हालत पहले जैसी हो जाती है। सवाल इसलिए भी है क्योंकि कर्ज माफी के फैसले से बैंकों को बड़ा दबाव आएगा। बैंकों के लिए 1.14 लाख करोड़ खर्च करना बड़ी बात है और सरकार ने कहा है कि वो बैंकों के नुकसान की भरपाई करेगी, लेकिन सवाल ये कि आखिर आम टैक्स पेयर के फैसले के नेता अपनी नेतागिरी क्यों चमका रहे हैं। सवाल ये कि अगर हर बार कर्ज माफ होता रहा तो सरकार कैसे चलेगी, ये तमाम सवाल हैं जो जी हिंदुस्तान खड़े कर रहा है। क्या सिर्फ नेतागिरी के लिए कर्ज माफी की गई है? टैक्सपेयर के पैसे से कर्ज माफी क्यों, अपने आप में बड़ा सवाल। हर बार कर्ज माफी होती है लेकिन कुछ समय बाद हम देखते हैं किसानों की हालत फिर से पहले जैसी हो जाती है। अब हालत उनकी सुधरती क्यों नहीं है, उनको तमाम सुविधा देने के बाद भी बड़ा सवाल यहां पर यह है। मध्य प्रदेश सरकार के फैसले पर भी सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने फायरिंग में मारे गए लोगों के लिए 1-1 करोड़ के मुआवजे का ऐलान किया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या करोड़ों का मुआवजा गलत परंपरा की शुरुआत नहीं है। मरने वाले एक शख्स पर पुलिस ने किया है खुलासा कि वो किसान जो अपने आप को एक किसान बताता है, अन्नदाता बताता है, वो असल में तस्कर था। ऐसे में सवाल है कि आखिर एक तस्कर को सरकार ने 1 करोड़ का मुआवजा क्यों दिया। जनता के पैसे से नेतागिरी क्यों की जा रही है, सवाल यहां पर यह भी अपने आप में बड़ा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में फायरिंग में मारे गए किसानों में से एक कन्हैया लाल को लेकर पुलिस ने नया खुलासा किया। पुलिस ने दावा किया कि मंदसौर में पुलिस फायरिंग में मारे गए कन्हैया लाल पर तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार मृतक कन्हैया लाल
ऐसे शख्स हैं जिन पर पहले से ही 4 मामले दर्ज हैं। पुलिस अब क्रॉस वेरिफिकेशन कर रही है कि ये वही कन्हैया लाल है या फिर कोई और है। ये पुलिस फायरिंग में एक डिसीज्ड है, अभी विवेचना उसकी जारी है। उसमें ऐसा ज्ञात हुआ कि उसका एनडीपीएस से कुछ अपराध है, अभी और अच्छी तरह से वेरीफाई करेंगे। कन्हैया लाल नाम है तो वही कन्हैया लाल है कि नहीं पूरा हम वेरीफाई करेंगे, लेकिन प्राथमिक तौर पर ये उजागर हुआ है कि उसमें एक ड्रग पेल्डर भी उसमें इन्वॉल्व है। इस भीड़ भाड़ में, इस उपद्रवी में वो भी शामिल।